हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी एंड सॉफ्ट लगते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चीज ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, ये मैंने बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, इनको हमें मैश करना है। आप चाहे तो हाथ से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें मैश कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल लेंगे, 3 से 4 कटे हुए इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, और ये मैं डाल रही हूँ इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैं इसमें फ्राइड धनिया जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें गर्म मसाला नहीं डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। और ये 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, इसे हमें क्रश करके डाल लेना है। अजवाइन से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो इस तरह की जब भी आप रेसिपी बनाएं तो अजवाइन जरूर डालिए। तो अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप जरूर डालिए। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, हरे धनिया को इसमें मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पर चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ, आप चाहते इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़े से मिक्सचर को हाथ में लेंगे और इस तरह से लंबी सी शेप ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ से दबाकर हम अच्छी तरह से इसे स्मूथ सा बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड को दे लेंगे हम थोड़ी सी फिनिशिंग। अगर हम इसकी साइड्स को नहीं हटाएंगे तो ब्रेड रोल में शेप अच्छी नहीं आएगी। ब्रेड की चारों साइड को हमें हटाना है, बिल्कुल आसानी से हट जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए सारी ब्रेड की चारों साइड को मैंने हटा लिया है। और अगर आपको ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हमें जो ब्रेड की साइड्स बची है इनका हमें ब्रेड क्रम बनाना है। ब्रेड क्रम बनाने के लिए हमें इन्हें पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पीस कर तैयार करना है। इसे हमें प्लेट में डाल लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम 3 से 4 चम्मच मैदे के डाल लेंगे और इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डाल लेंगे इसका। ये देखिए इस तरह का पतला सा घोल हमें तैयार करना है। हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड को बेलन से इस तरह से चपटा बना लेंगे। मैं इसमें चीज स्लाइस डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज के ऊपर हम स्टफिंग रख लेंगे जो हमने तैयार की है। और जो हमने मैदे का घोल तैयार किया उसे ब्रेड की एक साइड में लगाएंगे और इसे चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बड़ी ही आसानी से ये चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे अच्छी तरह से चिपका लेना है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को स्टफिंग भरकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड को स्टफिंग भर के तैयार कर लिया है। अब हमें इन पीसेस की कोटिंग करनी है, हमें इन्हें मैदे के घोल में डुबोना है। तो अच्छी तरह से हम इसे मैदे के घोल में डिप कर लेंगे, ब्रेड क्रम से भी हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें सारे पीसेज की कोटिंग कर लेनी है। और ये देखिए हमने सारे पीसेज की कोटिंग कर ली है। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। एक एक करके पीस को कढ़ाई में डाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब हमें इन्हें हल्के हाथ से पलट लेना है। लगभग 1 मिनट के बाद ही हम इन्हें पलटेंगे, नहीं तो फट सकते हैं। और ये देखिए हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करने हैं। और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो सारे पीसेस को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड की चीज रोल बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, लुक वाइज भी कितने अच्छे लग रहे हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए।
और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।